आपके सामने जो फ़ोन है वो LG कंपनी का ऑप्टिमस जी नाम का मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन रखा गया है। उसका प्लस पॉइंट, उस मोबाइल के प्लस पॉइंट आपको शॉर्ट में बताएं तो उसका लुक्स बेहतरीन है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, स्पीडी ऑपरेशन करता है, सब स्पीड उसकी अच्छी है, लाइट वेट बहुत ही हल्का और वजन कम है, और बैटरी की लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लाइफ बैटरी है। और उसके माइनस पॉइंट देखा जाए तो उसमें लाउड स्पीकर अच्छा नहीं आता है, लाउड स्पीकर में ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बताएं तो ये LG कंपनी का ऑप्टिमस जी नाम का फ़ोन है। इसकी फेब्रुवरी 2013 में लॉन्च डेट, फेब्रुवरी 2013 में ये लॉन्च किया गया सिंगल सिम का मोबाइल फ़ोन है, जिसमें 4.0.4 का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इसका रिजल्ट देखा जाए तो 13 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस फ्लैश लाइट वाला कैमरा आपको मिलेगा, और फ्रंट कैमरा इसमें नहीं है दोस्तों, फ्रंट में कैमरा आपको नहीं दिया जाएगा। और डिस्प्ले की साइज 4.7 इंच की डिस्प्ले आती है, जिसका रिजोल्यूशन 7668x1280 का रिजोल्यूशन है। और कनेक्टिविटी देखी जाए तो ब्लूटूथ, वाईफाई, HDMI नहीं है, USB है। और हार्डवेयर की बात किया जाए तो प्रोसेसर क्वार्ट्ज़ कोर 1.5 GHz और 2GB की रैम, ग्राफिक चिप भी है, इंटरनल मेमोरी 2GB और एक्सपांडेबल 32GB तक आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइस देखी जाए तो 30,990 रुपये की इसकी प्राइस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। सैमसंग के अलग अलग मॉडल्स में 30,990 में आप बहुत ही कुछ पा सकते हैं, जबकि HTC में ये सब क्वालिटीज़ और फैसिलिटीज़ में बहुत ही कॉस्टली पड़ता है ये फ़ोन। और ऐसे अच्छे अच्छे फ़ोन की जानकारी के लिए आप इस अकाउंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कौन सा फ़ोन अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा है, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, सब माहिती आपको मिल सकती है। शुक्रिया।